सही है, कर लें। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, क्या मेरे ऐसे ही। हाँ हम तो इमरजेंसी में ही आ गए। वो क्या कॉन्फ्रेंस ये हो गया जी? वो है कि यहाँ पे आज आलमी चौदहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है कराची में। तो मेरा शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन चूँकि मुझे अहमद शाह साहब ने कहा कि ये सारा चल रहा है, तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा है कि ज़रा यहाँ पे हाज़िरी लगा लें, ज़रा मिल लें, ज़रा जो हमारे लिखने वाले हैं, हमारे सब। एक मेला लगा हुआ है इस वक्त कराची में, और वो दाग ने क्या कहा था ना कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग के साथ। उन्होंने तो कहा था सारे हिंदुस्तान में धूम हमारी जबान की है, लेकिन अब तो सारे जहाँ में धूम हमारे जबान की है। तो उर्दू जो है वो दुनिया की चंद बड़ी बोली जाने वाली जबानों में है। जितना लिटरेचर उर्दू में आ रहा है, जितनी शायरी उर्दू में हुई है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये जो इस वक्त जो मामला है वो ये है कि इसको जिस तरीके से हमने ये जो कॉन्फ्रेंस की है यहाँ से, मैं आर्ट्स काउंसिल में इसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ये जो हमारी सकाफती सरगर्मियाँ हैं, जो हमारी शायरी है, जो हमारा अफसाना है, जो हमारा नावल है, जो हमारा ड्रामा है, फिल्म है, ये तमाम हमारी जो कहानी है उसको बयान करने में बहुत ही फंडामेंटल हैं, बहुत ही बुनियादी हैं। अगर कोई भी कौम अपनी कहानी सुनाना चाहती है तो उसको इन्हीं असनाफ का सहारा लेना पड़ता है। सो मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे ये मेला सजा है, और इंशाल्लाह ताला इसको हम कामयाबी की दुआ भी करते हैं, और जो कुछ हमसे हो सका वो भी हम इंशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल के पीछे खड़े हैं। शुक्रिया जी। फवाद भाई सवालों के जवाब करें। सवाल पॉलिटिकल कोई नहीं होगा, पॉलिटिकल कोई नहीं है सर। अहमद शाह साहब ने बहुत आविशें की हैं आर्ट्स काउंसिल को, उनको पता है आज इंटरनेशनल सतह पर पहचाना जाता है, लेकिन वफाक की तरफ से कोई सपोर्ट ऐसी सारा नहीं होती। सारा है ही वफाक का, बिल्डिंग से रजाक दाऊद साहब के बुजुर्गों ने बना के दी हुई है, सारी है ही वफाक। मैं ये बताना चाहता हूँ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, फवाद चौधरी साहब जिसको हेड करते हैं, इसकी सारी मशावरती कमेटी में भी मुझे रखा हुआ है। अभी नेशनल अवार्ड के लिए खुद आए कि भाई आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान नेशनल अवार्ड करेगा। अभी 25 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान और सारे वज़राए आला को बुला के एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, वो भी आर्ट्स काउंसिल के ज़िम्मे है। तो 50 चीज़ें ऐसी हैं जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की 100% सपोर्ट हमारे साथ आर्ट्स काउंसिल। तो कैसा आपको लगता है कि इस उर्दू ज़बान की फ़रोग के लिए इतना काम किया जा रहा है? अच्छा, अब हम 25 तारीख को इंशाल्लाह गवर्नर हाउस लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे और क्रिसमस इकट्ठी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का बड़ा मेला यहाँ पे सजाएं। गवर्नर साहब ने मुझे खुद ही कहा था, तो मैंने अहमद शाह साहब के ये ज़िम्मे लगाया है इसको प्लान करें। तो नहीं, यहाँ पर हमारे कराची माजरत के साथ कराची में 25 दिसंबर को हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो योम पैदाइश है और फिर जो क्रिसमस है उसका इकट्ठा एक यहाँ पे जश्न इंशाल्लाह ताला मनाएंगे। ये ज़रूरी है कि इस तरह की अल्टरनेटिव सरगर्मियाँ हमारे, आप देखिए मसला क्या आ रहा है, हमारी शिद्दत पसंदी में तमाम जो आप अगर बच्चे देखेंगे वो 15 साल से 25 साल के दरमियान की उम्र के सारे बच्चे हैं जो इस वक्त शिद्दत पसंदी में और बाकी मामलों में फंसे हुए हैं। बहुत ज़रूरी है कि उनको निकाला जाए और उनको एक मुतबादल बयानिया दिया जाए। चाहे इसलिए अभी हमने स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मेला इस्लामाबाद में सजाया, अब आर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पे ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की है, लाहौर में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। सो हम ये चाहते हैं हमारे नए राइटर्स, नए पोइट्स हमारे जो हैं वो उभर के सामने आएँ, और बहुत अच्छा काम हो रहा है उर्दू में। मैं आपको बताऊँ, ये गलतफहमी है हमारी कि इस वक्त हमारे नए बच्चों में इतना शौक़ नहीं है, बहुत शौक़ है। और इस वक्त आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उठा करके देखेंगे, जो हमारे शायर हैं, जो हमारे लिखने वाले हैं, सारे यंगस्टर्स हैं, और इन्हीं को ही इंशाल्लाह ताला हमने प्रमोट करना है। और अल्टीमेटली दुनिया में आपकी जो शनाख्त होती है वो आपकी जो ये इसनाफ हैं वो ही आपकी बनाती है, इसलिए आप फिल्म को मजबूत कर रहे हैं। फिल्म के लिए हमने PTV के अंदर एक PTV फिल्म्स बना दिया है, हम बाबर के ऊपर एक बहुत बड़ी और महंगी फिल्म बनाने जा रहे हैं, टीपू सुल्तान के ऊपर हम बहुत बड़ी महंगी फिल्म बनाने जा रहे हैं,
जो मॉडर्न फिल्म मेकिंग है उसके लिए हम जो यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो सुलन तो 20 साल पहले होनी चाहिए थी। आई विश कि अगर हमने ये सारा काम जो है वो 1990 की दहाई में या 2000 के शुरू में किया होता। अभी आप देखिए ना, हम एक तरफ हम कहते हैं यहाँ बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ हमें स्किल्ड बंदे नहीं मिल रहे होते। हमारे इवन मीडिया में लाइट्स के ऊपर ये जो हमारे सेट्स बनाने वाले हमारे जो टेक्निकल लोग हैं वो बहुत कम है, और मीडिया बहुत बड़ा है, और आगे चल के हमें और दुनिया में ज़रूरत। सो हम चाहते हैं इंटरनेशनल कलेब्रेशंस हों, और ये हमारे जो बच्चे सीख के वो इस सारे मामले में आगे जाएं। सो ये एक दो रैया किस्म की एक स्ट्रेटजी है। एक तरफ आर्ट्स काउंसिल तो काउंसिल है, ठीक है, थैंक यू। नहीं, 35 अरब रुपया खर्च करने से वफाकी मंसूबा हुआ है, वैसे तो नहीं हो जाता। वैसे तो अगर आप नून लीग के मंसूबे उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या कर दिया है, लेकिन वो सारे कागज़ों में हैं, हम उनको अमली शक्ल दे रहे हैं। खुद हमारे यहाँ जेहलम में 1898 का प्रोजेक्ट था जलालपुर कैनाल, तो वो बना तो अब जाके ना। सो होता यह है कि सिर्फ कहने से मंसूबा नहीं होता, जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो मंसूबा होता है। बाकी ये नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, ये कितने पानी में है ये कराची वालों से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है। अच्छा चौधरी साहब, चूँकि अहमद शाह साहब ने कुछ तरह ऐलान किया कि मार्च में यहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें चारों सूबों के अदीब दानिश्वर और ज़बानों के लोग शामिल होंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मेरा ख्याल है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए या जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, लेके आ जाएंगे बिल्कुल। शासन जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ओके, शुक्रिया।